السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل الى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله بإذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد صدق الله العظيم ناظرین کرام اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائف کیو اے کا پروگرام مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں और जैसा कि आपको इल्म है कि ये प्रोग्राम मंडे टू फ्राइडे इसी वक्त होता है जिसमें दो हिस्से हैं पहला हिस्सा यहाँ से लेकर आठ बजे तक जिसमें आपके लिए किसी मौजू पर गुफ्तु की जाती है और आठ बजे से नौ बजे तक आपके लिए लाइव कॉलों का सिलसिला जारी किया जाता है आज जो मैंने आयतें पढ़ी हैं ये सूर बुरूज की आयतें हैं। वाकया और शान नजुल इस सूरत का ये है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ अरसा पहले बाज़ रिवायतों में उसका दौरानिया सेवेंटी ईयर्स सत्तर साल पहले जूनिवास नामी एक शख्स है यमन में बादशाह था उसके दौर में परस्ती, शिरक उसको सपोर्ट किया जाता था उसकी हिमायत की जाती थी एक बड़ा काहिन था और बाज़ रिवायतों में कि साहिर जादूगर था उसने बादशाह से ये कहा कि मैं मुअम्मर हो गया हूँ बूढ़ा हो गया हूँ मैं अगर मर गया तो मेरा इल्म मेरे साथ चला जाएगा आप कोई जहीन लड़का दीजिए जिसको मैं अपना इल्म सिखा दूँ ताकि मेरे बाद भी आप उससे फ़ायदा उठाते रहें बादशाह ने एक नौजवान को मंतखब किया जिसका नाम रिवायतों में आता है अब्दुल्ला इब्न तामिर नाम था उसका वो शख़्स रोज़ाना साहिर के पास जादूगर के पास जादू सीखने के लिए जा रहा है अब्दुल्ला बिन तामिर। उसके घर से लेकर उस जादूगर के घर तक दरमियान में एक काहिन का घर है राहिब है दीन सभी का जानने वाला उस पर अमल करने वाला और उस ज़माने में वही दीन देने का हक़ भी था एक मर्तबा उसने इस नौजवान को अपने पास बुलाया और उससे दीन की कुछ बातें की इस नौजवान पर इन बातों का बहुत अच्छा असर पड़ा उसको ये बातें भली लगी अच्छी लगी फिर यह हुआ कि आते जाते किसी वक्त थोड़ी देर के लिए बैठ जाता था राहिब के पास और वह इसको दीन की बातें सिखाता था कभी घर जाने को देर हो जाती कभी साहिर के पास जादूगर के पास जाने को देर होती दोनों की तरफ़ से शिकायतें आने लगी राहिब ने उसका हल ये बताया कि अगर साहिर के पास जाने में देर हो जाए तो कहो घर देर से निकला था और अगर घर जाने में देर हो जाए तो कह दो कि राहब उधर काहिन के पास से आ रहा हूँ जादूगर के पास से आया वहाँ से लेट हो गया खैर इस तरीके से कुछ दिनों तक मामला चलता रहा एक मरतबा का वाकया हुआ घर से आते हुए उसने देखा कि रास्ते में एक बहुत बड़ा सांप या कोई बड़ा जानवर रिवायत में ये लफ्ज़ आता है कि बड़ा ख़तरनाक जानवर था वो वो बीच में हैं लोग न इधर जा रहे हैं न उधर से आ रहे हैं क्योंकि लोगों को डर लग रहा है और किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि उसको हटाए अब्दुल्ला बिन तामिर वहाँ पहुँच गया वो नौजवान अब इसने सोचा कि क्या किया जाए इसके पास दो इल्म थे एक जादूगर का इल्म और एक राहिब का दीन हक का इल्म था इसने सोचा कि आज आजमाने का मौका है हक़ क्या है दोनों में से उसने एक पत्थर उठाया और ये कहकर कि अल्लाह अगर राहिब का दीन बरहक है और जादूगर का बातिल है तो इस पत्थर के ज़रिए इसको ख़त्म कर दे और लोगों को नजात फरमा वो पत्थर का मारना था ख़त्म वो जानवर मर गया लोग खुश हो गए और इस नौजवान की तरफ़ देखने लगे ये कौन नौजवान है इसकी वजह से इतना ख़तरनाक जानवर मर गया कोई आकर अपने लिए दुआ की दरख्वास्त कर रहा है कोई क्या कर रहा है अजीब व गरीब एक नाबीना ने जो ब्लाइंड था उससे दरख्वास्त की कि मेरी आँखें अच्छी कर दी जाए उसने कहा मैं दुआ करूँ एक शर्त पर कि तुम मेरे दीन पर ईमान ले आओ जो राहिब ने उसको सिखाया था दीन हक़ वो आदमी इसके लिए तैयार हो गया दुआ की फिर उसकी बिनाई आ गई अब यह बात का चर्चा शहर भर में हो गया कि वो नौजवान जिसने उस दिन फला जानवर को मार दिया था ख़त्म कर दिया था उसकी दुआओं से अंधे अच्छे हो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता बात फैलते फैलते बादशाह के कानों तक पहुंची बादशाह ने सबसे पहले इनको अरेस्ट किया उस राहिब का भी पता चल गया राहिब को और उस अंधे आदमी को जिसकी बिनाई वापस आ गई थी उनको कत्ल करवा दिया अपने अपने ज़माने में बादशाहों को सबसे बड़ा ख़तरा ये रहा करता है कि कहीं कोई शख्स इनकी हुकूमत के मुखालिफत में खड़ा ना हो जाए जहाँ वो किसी की मकबूलियत देखते थे उसको ख़त्म कर देते थे कि अगर ये ज़्यादा मकबूल हुआ पब्लिक में तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी हुकूमत के ख़तरे में पड़ जाए और लोग इसको बादशाह बना लें तो यही हाल यहाँ भी हुआ बादशाह ने दोनों को क़त्ल कर दिया फिर इस लड़के को कत्ल करने के लिए सोचा कि अगर इसको सबके सामने कत्ल किया जाएगा तो मुश्किल है कुछ आदमियों के साथ उसको भेजा कि जाओ इसको समंदर में डाल दो ताकि उसको मछलियां खा जाए मर जाए डूब जाए जो लोग इसको लेकर गए थे हुआ यूँ कि जब वो बीच समंदर में थे अब इसको डालने ही वाले थे कि एक ज़ोरदार मौज आई वो तक वो जो कश्ती थी ऐसी उलट गई कि वो जो डालने वाले आए थे इसको धक्का मारने वाले वो डूब गए और ये कश्ती के अंदर सलामत वापस आ गया बादशाह हैरान कहाँ गए वो आदमी कहने लगा वो ख़ुद डूब गए मैं तो वापस आ गया बादशाह ने कहा अच्छा फिर दो आदमियों को भेजा और कहा इसको ऊंचाई पर ले जाओ पहाड़ पे से किसको गिरा दो वो ले गए उसको पहाड़ पे ले गए किसी ऊंची ऊंचे पहाड़ पर और वहाँ से प्रोग्राम ये था कि धक्का मारकर इसको नीचे गिरा दिया जाए एक पॉइंट ऐसा आया कि वो दोनों वहाँ से फिसल कर गिर गए और अब्दुल्ला बिन तामिर वापस आ गया सही सलामत अब बादशाह हैरान के तो मर भी नहीं रहा है बादशाह ने कहा कि भाई क्या किया जाए उसने कहा एक ही शक्ल है अगर मुझे आप मारना चाहते हैं तो उसका तरीक़ा मैं ख़ुद बताता हूँ बादशाह ने कहा वो कैसे इसने कहा कि सबसे पहले लोगों को जमा किया जाए अच्छा फिर उसके बाद मुझे ये कहकर बिस्मिल्लाह इस लड़के के अल्लाह के नाम से इसको क़त्ल किया जाता है ये कहकर मुझे मारा जाए मैं मर जाऊंगा बादशाह ने कहा, तो आसान तरीका है ऐलान हुआ लोग जमा हुए और फिर उसके बाद बीस में रब हादल गुलाम इस लड़के के इस नौजवान के रब के नाम से तीर छोड़ा शहीद हो गया लोग चिल्लाए और लोग उसी वक्त बादशाह के दीन से फिरकर ईमान ले आए इस लड़के के रब पर जिस तरह वहाँ मूसा सलाद्लाम और जादूगर मुकाबला हुआ था लेकिन फिर जादूगर मूसा सलाम पर ईमान ले आए इसलिए कि उन्होंने एक हकीकत को अपनी आँखों से देख लिया ठीक यहाँ भी यही मामला पेश आया बादशाह चाह रहा था इस दिन को दबाया जाए लेकिन ये इस बच्चे का शहीद होना ये सब के लिए एक दावत बन गया अब बादशाह और झिल्लाया कि मामला तो और उल्टा हो गया मैं चाह रहा था कि इसको दबा दिया जाए लेकिन ये तो सब के सब दिन से फिर गए और इस्लाम ले आए ईमान लिया है बादशाह ने ऑर्डर दिया कि एक बड़ी खंदक खोदी जाए ट्रेंच जैसी खंदक खोदी जाए और उसके अंदर आग लगाई जाए जिस वक्त वो ऑर्डर तैयार हुआ कि हाँ भाई तैयार कर दी गई खंदक उसमें बड़ी आग तैयार की गई है बादशाह ने ऐलान किया सबको पकड़ के लाया जाए जितने मोमिन हैं ईमान लाने वाले सबको और उससे पूछा जाए अगर वो अपने दीन से फिरता है हमारे दीन पर आ जाता है तो उसको छोड़ दिया जाए वरना इसको आग में डाल दिया जाए जितने लोग ईमान लाए थे वो सब अपने दीन पर कायम रहे ईमान पर किसी ने भी बादशाह के दीन पर आना गवारा नहीं किया डालते गए सबको एक छोटा सा बच्चा जो दूध पीता बच्चा है माँ के सीने के साथ लगा हुआ है उस माँ को माँ की ममता बाप की माँ की जो मोहब्बत होती है बच्चों के साथ वो गालीब आ रही थी वो झिझक रही थी क्या करूँ आगे बढ़ूँ पीछे हटूँ उस बच्चे ने बोल दिया हालाँकि बच्चे उस, उस उम्र में बोलते नहीं हैं उस बच्चे ने बोल दिया और कहा माँ डर मत ये आग नहीं ये जन्नत है फिर उस माँ ने भी बच्चे समेत छलांग लगा इस वाक़े को कुरान मजीद में ज़िक्र किया गया उखदूद कहा जाता है खाई वाले और इस सूरत के शुरू की आयतों में कुतला उखदूद ये लफ्ज़ आया है आयत शुरू होती है इज़ातिल एज़ातलब्रूज कसम है आसमानों की जो बुरुजों वाला है बुरुज के माना ये करना कि जो सितारे हैं या उसमें सात बारह बुरज हैं ये सही नहीं आसमान के अंदर अल्लाह ताला ने मंजिलें बनाई हैं जो सितारे अल्लाह ने बनाए हैं उनको अल्लाह ताला ने एक ऑर्बिट और माहवर दे दिया है उस ऑर्बिट पर वो चलते रहते हैं सुर यासिन में अल्लाह तशादे व शम्स तजरीली मुस्तर का तकदीर उजीज़िला और एक जगह फरमाया कुल्लू फ़ीफल की हर सितारा अपने आसमान में अपने मरक़ पर अपने माहवर पर और औरबिट पर घूम रहा है ये निज़ाम शमसी जिसको सोलर सिस्टम कहा जाता है बहुत अजीब व गरीब है व समा यबरूच कसम खाई जा रही है वल्योमिलम और उस दिन की जिसका वादा किया गया है मुफसरिन फरमाते हैं इससे मुराद कयामत का दिन है

और जुमे का दिन शाहिद से मुराद जुमे का दिन और मशहूद से मुराद अरफे का दिन इसलिए कि जुमे के दिन लोग एक जगह हाजिर होते हैं और जुमा हर हफ़्ते लौट कर आता है हाज़िर होता है शाहिद और मशहूद जहाँ लोग जमा होकर हाज़िर होते हैं अरफात का मैदान हज़ारों लाखों मिलियन इंसान एक मैदान में हाजिर हैं और सबका एक ही मकसद है कि अल्लाह राज़ी हो जाए अल्लाह हमें माफ़ कर दे अल्लाह हमारे खदाओं से दरगुजर कर दे ये सब का मकसद है ये कस्में खाई गई व शाहिद व मशहूद बाज़मा फरमाते हैं शाहिद से मुराद वो देखने वाले जो उन आग में डाले जाने वालों को देख रहे थे और मशहूद से मुराद वो लोग हैं जिनको खाई में डाला जा रहा है जिनका मुशाह किया जा रहा है कोतला अब हलाक हो लानत हो अबूद पर जिन लोगों ने इनको मारा जिन लोगों ने खाई बनाई और खाई में आग बनाई और आग में इनको डाला ये सब लोग जो इस तरह के लोग थे इन सब पर अल्लाह ताला हलाकत के लिए फ़रमा रहे हैं कतला इस अबूत जमाने क़दीम के अंदर ये जो फ़ासला है 570 हंड्रेड ईयर्स का 570 साल का फ़ासला इस साल इस्लाम से लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इस ज़माने में और भी ऐसे वाक़ पेश आए हैं जहां लोगों को जला दिया गया खाई बनाकर उसमें डाल दिया गया ये वाक़ जो क़ुरान में जिक्र किया गया ये यमन का वाक़ है दूसरा वाक़ मुल शाम का भी मिलता है और तीसरा वाक़ा फ़ारिस का भी है ईरान का भी इस तरह का वाक़ है मालूम होता है एक से ज़्यादा वाक़ पेश आए हैं इस पूरे दौरान में लेकिन क़ुरान ने चूँकि अरब में यमन वाक़ है तो यहाँ का वाक़ ज़िक्र किया है। हैबलखद अन्ना रिदातलमकूद ईंधन वाली आग थी उसको जलाया गया

ममान कमिन इनका नु इनका ऐब क्या है इनका जुर्म क्या है इनका कसूर सिर्फ इतना ही है कि अल्लाह पर ईमान लाए हैं यानी इस जुर्म की बुनियाद पर इनको तकलीफ़ दी जा रही है और इस जुर्म की बुनियाद पर इनको आग में डाला जा रहा है कौन अल्लाह जिस पर यह ईमान ला अल अहमीद व अल्लाह जो ज़बरदस्त है वो अल्लाह जिसकी तारीफ़ें की गई है हमीद الذي له ملك السماوات والارض والله الله جس کے آسمان والله على كل شيء شهيد و الله ہر چیز پر گواہ ہے نگران ہے, دیکھ رہا ہے ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق و لوگ جنہوں نے ایمان والوں کو मुसीबत में डाला आजमाइश में डाला, सुम्बलम यतूबू और तोबा भी नहीं की उसके बाद इन्हें मुसलमानों को तकलीफ़ें पहुँचाई और इस गुस्ताखी इस जुर्म पर तोबा नहीं की फ़लहुम عذاب आज़ाब व जहन्नम الحريق हरीक़ इनके लिए जहन्नम का अज़ाब होगा और इनको जलने का अज़ाब चखना पड़ेगा अल्लाह फिर बैलेंस जहन्नमियों का तस्करा काफिरों का तस्करा आगे तजरी मिन तहतिहल अनहारु जन्ना तो कबीर जो लोग ईमान लाए जिन्होंने आमाल किए उनके लिए बागात हैं जन्नतें हैं जिसके नीचे से नहरें बहती होगी तजरीब इतःार कुरान मजीद में जहाँ जन्नत का तस्करा है वहाँ ये सिफत ज़रूर ज़िक्र की गई और इसकी दो शक्ल हैं नीचे से नहर बहना एक तो ये कि महल के जैसी ही दीवार ख़त्म होती है वहाँ नहर बह रही है पानी हर इंसान को पसंद है और पानी जब बहता है ये अलामत है ज़िंदगी की तो बहुत खुशनुमा होता है वो महल वो बंगला वो घर जिसके नीचे से पानी बह रहा हो और दूसरी शक्ल ये है कि घर के अंदर ही महल के अंदर ही बारीक सी इस तरह की नहर बनाई जाए जिसमें पानी हर वक्त बहता रहे तो अल्लाह ताला ऐसे बागात अता फ़रमाएंगे जिसके नीचे से नहरें बहती होगी जालिकल फौजुल कबीर अल्लाह तरमाते ये बड़ी कामयाबी है जिसको ये जन्नत मिल गई वो कामयाब है हैदीदी बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है वही पैदा करने वाला है और वही दोबारा जिंदा करने वाला है इस मजमून में इस सूरत के अंदर अगर आप गौर करें तो अल्लाह ताला ने शुरू में जो कसम खाई है वह समाए जाति बुरुज अल्लाह की अपनी कुदरत का इज़हार किया और योम के कहकर क़्यामत का तस्करा आया और उसके बाद शाहिद व मशहूद जो जुमे का और अरफ़ात की कसम खाई है ये इसलिए कि जुमे और अरफात के मौके पर इंसान क़ियामत की तैयारी करता है जुमे के दिन भी इंसान अल्लाह के सामने ख़ास तौर पर इसलिए हाज़िर होता है कि उसके गुनाह माफ़ किए जाएँ अरफात में भी इसीलिए हाज़िर होता है कि उसके गुनाह माफ़ किए जाएँ तो ये क़यामत की तैयारी कर रहा है जुमा और अरफ़ात के ज़रिए से इसलिए क़यामत के बाद फ़ौर इसका तस्करा फिर अबदूद का तस्करा खाई वालों का तस्करा और उसमें फिर अल्लाह ताला आख़िर में फिर अपनी सिफ़ात जिक्र फ़रमा रहे हैं कि ये लोग जो इस तरह तकलीफ़ें पहुँचाने वाले हैं वो ये ना समझें कि अल्लाह इनसे गाफ़िल हैं फ़लाफ़िल्लम गाफिल ये ना समझ जालिम ये ना समझें कि अल्लाह ताला गाफिल है उन कामों से जिसको ये कर रहे हैं ये मुसलमानों को सताने वाले ये मुसलमानों को तकलीफ़ें पहुँचाने वाले अगर ये ख्याल कर रहे हों कि अल्लाह हमारे कामों से गाफिल है तो ये उनकी ग़लत ख्याल है अल्लाह जानता है इन नमायो अखीरो तश्खसो फील अबसार इनको मोहलत दी जा रही है मोहलत दी जा रही है ढील दी जा रही है उस दिन के लिए जिस दिन सबकी आंखें झुक जाएगी और आंखें फटी के फटी रह जाएगी कयामत को देखकर सर झुके हुए होंगे हुआ युईद। मजीद अल्लाह मगफिरत करने वाला बड़ा माफ करने वाला है अलवदूद बड़ा मोहब्बत करने वाला है दुल मजीद बुज़ुर्ग अर्श का मालिक है जो उसका तख्त है बहुत ज़बरदस्त फ़ालमायरीद वो जो चाहता है करता है उसको कोई रोकने वाला नहीं लायुसल्मा फ़ालमयुसू अल्लाह से कोई नहीं पूछेगा जो वो कर रहा है लोगों से पूछा जाएगा कि तुमने क्या अमाल किए ये अमल क्यों किया फ़ाललमायद अल्लाह जो चाहे करता है फिर उसके बाद अल्लाह तार मुख्तसर हलता का हदीसल जनूद फ़राउन व समारे पास ख़बरें आई है लश्करों वालों की ख़बरें फ़िरऊन की समूद की बलिनद का फरूफ़ी तकजीब अल्लाह तिरौन व समूद के वाक़ को जिक्र फरमा कर ये बतला रहे हैं कि जिस तरह हमने उन ताक़तवर कौमों को और ताकतवर लोगों को, ताकत को हलाक किया है हम इस बात पर कादिर हैं कि इनको भी हलाक कर दें ये जो मक्का में मुसलमानों पर म सितम किया जा रहा है ये ईमान लाने वालों को आजमाया जा रहा है ये ईमान लाने वालों को रेत पर रख कर उस पर गर्म रेत पर रख कर उस पर पत्थर रखे जाते हैं और घसीटा जा रहा है इन तकलीफ़ देने वालों को भी अल्लाह पकड़ने पर क़ादिर हैं अल्लाह तक इनको भी अजाब देने पर क़ादिर हैं बल्लिन फी तकजीब ये लोग तकजीब में पड़े हुए हैं जो काफिर हैं अल्लाह को झुटला रहे हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटला रहे हैं वल्लाहु मिन वाह में अल्लाह ताली इनको घेरने वाला है ये अल्लाह से भाग नहीं सकेंगे बल हुआ मजीद। कुरान उम्मीद बल्कि ये क़ुरान बुजुर्ग कुरान हैं बामत रे रिस्पेक्टफुल कुरान मजीद है और ये कुरान मजीद कहाँ है फी महفوظ। लोह महफूज लोहे महफूज में अल्लाह ने इसको रखा है आसमान दुनिया पर लोह महफूज से कुरान मजीद उतारा गया शब क़द्र में पूरा कुरान मजीद एक साथ लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर उतारा गया जिसको सूर्य क़द्र में अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंजलना फ़ी लतर बेशक हमने इसको लतल़द्र में नाजिल किया शब क़द्र जिससे हम कहते हैं तो इस शब कदर में पूरा कुरान पुरा करीम नाजिल हुआ और उसके बाद आसमान दुनिया से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो नाजिल किया गया आपके कलब मुबारक पर यह आहिस् आहिस्ता, आहिस्ता तेईस साल के अर्से में ट्वेंटी थ्री ईयर्स के अंदर आहिस्ता आहिस्ता नाजिल किया गया तो कुरान के नज़ुल भी दो तरह के हैं जिसको एक मरतबा अंजल कहा, वो बैक वक्त पूरा कुरान नाजिल होना और जहाँ नज़ल ना हो तंज़ीला कहा गया वहाँ आहिस्ता आहिस्ता नाजिल होना या आसमान दुनिया से नबी अक्रम सम तक नाजिल होने को आहिस्ा आहस् नाजिल होना कहा गया और कुरान मजीद लोहे महफूज में है और अल्लाह ने यह भी फ़रमा दिया कि जिस तरह लोहे महफूज हमारे पास है उसमें कोई चेंजिंग कोई तब्दीली नहीं आ सकती ठीक इसी तरह कुरान एक मजीद दुनिया में भी रहेगा इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी इसलिए कि हिफाजत का वादा हमारा है इन्ना लहू लहाफिज़ून हमने ही इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले अगली किताबों को उम्मत के हाल पर छोड़ दिया गया उम्मत के हाथों में दिया गया लेकिन वो इसकी हिफाजत न कर सकें वो किताबें आज दुनिया में अपनी असली शक्ल में महफूज नहीं सिर्फ़ क़ुरान मजीद एक किताब है जो जैसे अल्लाह ने नाजिल फ़रमाई वैसे हमारे पास है और अल्लाह ने उसके हर तरीक़े से हिफाजत फरमाई उसके अल्फाज की हिफाजत उसके मानी की हिफाजत उसके अंदाज तलफ़ की हिफाज़त उसके लिखने के कैलीग्राफी किताबत की हिफाजत उसकी ज़बान की हिफाज़त हर चीज़ के अल्लाह ने हिफाजत की क्योंकि अल्लाह का वादा है और ये वादा क़यामत तक के लिए हैं कोई लिमिटेड टाइम के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए कि कुरान के अंदर कोई तब्दीली नहीं आ सकती तो इस सूरत के शुरू में कसमें खाई गई उसके बाद अबूद का जिक्र अल्लाह ने फरमाया और ये बतलाया कि उन उन लोगों ने जो ईमान वालों पर जुल्म ढाए थे सिर्फ उसकी वजह ये थी कि ये लोग अल्लाह को मानते थे क्या इस बुनियाद पर किसी को सताया जा सकता है क्या इस बुनियाद पर किसी को आग में डाला जा सकता है ये सूरत और आगे की सूरत यानी वसमाय तारख़ इन दोनों के दरमियान रब्त है जो दो सूरतों के पैर और जोड़ आ रहे हैं उसमें ये सूरत और इसके बाद वाली सूरत जो है सूर वसमाय तारख़ ये मिली हुई सूरतें हैं तो इस सूरत के अंदर फिर दरमियान में अल्लाह तहल जन, जन्नत का तजकरा किया कि जो लोग ईमान लाते हैं जो लोग नेक आमाल करते हैं उनके लिए जन्नत है और उस जन्नत की सिफात को जिक्र फरमाया फिर आखिर में अल्लाह ने अपनी सिफात ज़िक्र फरमाई और फ़िरौन का और समूद का ज़िक्र इसलिए किया ताकि ये बतलाया जाए कि उन ज़बरदस्त कौमों को भी अल्लाह ने हलाक कर दिया इन मक् के मशिकीन को भी अल्लाह हलाक करने पर कादिर हैं नाजरन कराम इस वक्त आप देख रहे हैं इकरा टी वी पर लाइव क्यों नए का प्रोग्राम मुफ्ती मोहम्मद अशफाक आपकी खिदमत में हाजिर हैं और ब्रेक की तरफ़ जा रहे हैं ब्रेक के बाद फिर आपके लिए लाइव कॉलों का सिलसिला जारी होगा और जैसा कि आप जानते हैं आज मेनजे है तो खाब की ताबीरें भी बयान की जाएगी असलकम वहम्त ला वरक़